फिर से स्वराज एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि लोधमी नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 पर व्यापारी धर्मशाला को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जहां दूसरे राज्य से आए लोधमी क्षेत्र के 45 प्रवासी मजदूरों को रखा गया। यहां बीती रात श्रमिकों ने खाने के पैकेट में बदबूदार सब्जी देने का आरोप लगाते हुए विरोध में खाने के पैकेट धर्मशाला के सामने फेंकते हुए हंगामा कर दिया था। ये खबर स्वराज एक्सप्रेस में प्रमुखता से दिखाई गई थी और आज एसडीएम नवीन कुमार भगत सहित एसडीओपी कादिर खान और नगर पंचायत सीओ सबीना अनंत ने सभी क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। यानी कि स्वराज एक्सप्रेस की खबर का असर हुआ है। खबर देखने के बाद में जो प्रशासनिक अमला है वो हरकत में आया और जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं वहां पर छापा मार कार्रवाई शुरू की गई। ये निगरानी करना शुरू किया गया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स पर करी गई हैं, क्योंकि शिकायतें इससे पहले भी मिल रही थी, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस ने जो तहकीकात की और जो असली तस्वीरें हैं ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स की वो अपने टीवी चैनल के माध्यम से दिखाई। और इन खबरों को देखने के बाद में प्रशासनिक अमला आखिरकार हरकत में आया। मैंने ऐसे सेंटर्स की देखा जहाँ जो है खाना बन रहा है, तो हम सभी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और व्यापारिक धर्मशाला हम तीनों जो है खुद जाकर वहाँ मेरे द्वारा और एसडीओपी साहब के द्वारा जो है भोजन जो है टेस्ट भी किया गया मजदूरों के सामने और सभी से चर्चा भी की गई। सारे मजदूर संतुष्ट हैं और सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और निर्धारित अवधि के बाद उनको जो है यहाँ से रिलीज कर दिया। ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी